हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट। इन दिस चैप्टर वी आर नोइंग अबाउट द टर्म मोशन एंड मेजरमेंट। व्हाट इज़ अ मोशन, हाउ डू द थिंग्स आर मूव एंड हाउ टू मेजर द डिस्टेंसेस एंड देयर मेजरमेंट। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। इंट्रोडक्शन टू मोशन। व्हाट इज अ मोशन से, इफ़ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, जब वो टाइम के साथ अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता, जहाँ पे है वहीं पे रहता है, टाइम चलता रहता है ऑलवेज, तो उसके साथ अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करते हैं, दे ऑब्जेक्ट आर स्टेशनरी एंड दे आर एट रेस्ट। दे आर एट रेस्ट। For example, buildings, houses, trees, city, etc. They are stationary objects. They are not movable. So, they are stationary. If a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. जो object बेटा time के साथ अपनी position को लगातार change करते हैं, they are considered at in motion. For example, moving bus. See, here example. A bus is moving on road. A bus is moving on road with respect to time. Continuously, it can change its position from one point to another point. Say, this is A point, this is B point, this is C point. अब कुछ time पहले जब time T1 था, फिर T2 था, फिर T3. जब time T1 रहा होगा, यानी कि suppose करते हैं कि हमारा एक घंटे पहले बस position A पे थी, दो घंटे बाद में, एक घंटा और बीत गया, दो घंटे बाद में कहाँ पहुँच गई, B पे, फिर एक घंटा और बीता, कहाँ पहुँच गई, सी पे पहुंच गई। ठीक है, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार अपनी पोजीशंस को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। सो वी से द बस इन मोशन। मूविंग ह्यूमन, फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग प्लैनेट्स, ऑल आर बॉडीज इन मोशन। सो दिस इज मोशन। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेसिस ऑन द पाथ दे फॉलो। किस किस पाथ को वो ट्रैप करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप्स हैं। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर। इट्स अ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। लीनियर, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन। द मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, स्प्रिंटर्स इन रेस, फॉलिंग स्टोन्स। देखिए क्या है, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं वो मार्च पास्ट करेंगे, एक ही उनकी जो ट्रुप है वो ट्रुप क्या करेगी, एक ही लाइन में मार्च पास्ट कर रही है। स्प्रिंटर रेस, स्प्रिंट रेस में भी सीधा रन करना होता है। फॉलिंग स्टोन, कोई स्टोन ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसका भी क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। सो दीज टाइप ऑफ मोशन आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन ऑफ, हम कह सकते हैं बुलेट ऑफ गन, मोशन ऑफ बुलेट ऑफ गन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। एंड अनदर मोर एग्जाम्पल in which we observe the straight line motion, all are considered as rectilinear motion. Next is circular motion. This is a motion where objects move along a circular path. वो motion जिसमें कोई object एक fixed point के about circular motion में move करता है, that is uniform circular motion, and path is uniform circular path when the radius is equal in all sides. For example, hands of clock, घड़ी की सुइयाँ, hands of clock, they are moving in a fixed path. All clocks are, all hands of the clock are moves in fixed path. Blades of fan, fan के जो blades हैं उनका path भी क्या है, fixed path है. And rotation of earth around the sun, rotation of earth around the sun is a fixed path. A type of circular motion. These all are a type of circular motion. Next is rotational motion. It is a type of circular, but it is a special one. When the object spins on its own axis, is called rotational motion. For example, rolling ball, spinning top, and rotation motion of earth. Earth ka apni axis ke about rotate karna. That is called rotational motion of earth. Spinning top, ghumta hua, jo aapka hai, spinning top. टॉप जो है यानी बेबलेट जो आपका घूम रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन, अपनी फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है।
रोलिंग बॉल, घूमती हुई बॉल अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, रोलिंग बॉल। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। दिस इज अ टाइप ऑफ मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई मोशन एक फिक्स इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हैंड्स ऑफ क्लॉक, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन रिपीट इट सेल्फ। अब हैंड्स ऑफ क्लॉक है, हमारी मिनट हैंड क्लॉक है, वो हर 60 मिनट के बाद में अपने मोशन को फिर से क्या करती है, रिपीट करती है। और सेकेंड हैंड क्लॉक हर सेकेंड 60 सेकेंड के बाद में अपने मोशन को क्या करती है, रिपीट करती है। और मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, बच्चा बैठा स्विंग वाले झूले पे बैठे, ये प्यारा सा बच्चा बैठा स्विंग वाले झूले पे, और कंटिन्यूसली अपने मोशन को क्या कर रहा है, टू और फ्रो और बैक और फोर्थ भी से अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, कभी यहाँ पहुँचेगा फिर यहाँ वापस आएगा, ठीक है। दीज टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज पीरियोडिक मोशन, यानी एक फिक्स टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करने वाले मोशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशन। द ट्रांसपोर्ट इज अ मैकेनिज्म बाय विच अ थिंग इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट वो मीडियम है, द ट्रांसपोर्ट इज अ दैट मीडियम थ्रू विच अ थिंग इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन द अर्लियर टाइम्स द लैंड ट्रांसपोर्ट वॉज डन यूजिंग द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बैग्स, वाइल द वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज डन ऑन होलो वुडन लॉग्स और सिंपल वुडन बोट्स। पुराने टाइम में क्या था, जो ट्रांसपोर्ट था वो ह्यूमन क्या करते थे, अपनी बॉडी पे ढोकर करते थे, ठीक है, और पशुओं पे डालकर डाला जाता था। उसके बाद में जब तक टायर का जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था तब की बात है ये। एंड देन द होलो वुडन लॉग्स, खोखले जो तने थे पेड़ के उसके ऊपर पानी में लॉग्स बनाकर उनके उसके ऊपर तैरा जाता था। देन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब व्हील की इन्वेंशन होगी, बुलोकॉक्स कार्ट्स चैरियट्स कैमल कार्ट्स वर डेवलप्ड एंड वर द एनिमल्स यूज टू पुल द व्हीकल्स, व्हीकल्स को पुल करने के लिए एनिमल्स का यूज होने लगा। देन ट्रांसपोर्ट देन इवॉल्व इन 19th and 20th century। हमारा जो आज का ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ डेवलप्ड इन 19th and 20th century टू बस ट्रेन्स कार्स एरोप्लेन्स जेट्स स्टीम एंड मोटर बोट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आई 19th और 20th century में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेंथ एंड डिस्टेंस। लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, वाइल डिस्टेंस गिव्स द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ फार टू थिंग्स आर। लेंथ हमें क्या बताती है, कितने डिस्टेंस पे दो चीज़ें पड़ी हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्केल्स द लेंथ वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेंडम वुडन स्टिक्स हैंड्स और थ्रेड्स। स्केल की इन्वेंशन से पहले रेंडमली किसी भी वुडन स्टिक का यूज़ करके किसी चीज़ को मेजर किया जाता था और थ्रेड से। सिमिलरली द डिस्टेंस वर मेजर्ड इन द डेज और टाइम टेकन टू रीच वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखिए, स्टिक का साइज सारी जगह तो फिक्स नहीं होगा और टाइम और प्लेस के साथ ये चीज़ें चेंज होती थी, यानी रेंडम सिस्टम था मेजरमेंट का। देन वॉट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट इज अ कंपेरिजन ऑन एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी। किसी नोन क्वांटिटी, सपोज हमारे पास एक रोड है 1 मीटर की, अब मैंने अननोन क्वांटिटी रूम की डायमेंशन को मेजर करना है तो वो मीटर स्केल को मैं कितनी बार रिपीट करूँगा। सपोज मेरा मीटर स्केल यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है तो ये मेरी होगी नोन क्वांटिटी, ये मेरी होगी अननोन क्वांटिटी। जो रूम की डायमेंशन, ये क्या होगी, अननोन क्वांटिटी। इन दोनों को कंपेयर करना, यानी इसके कंपेरिजन में इसका कितने टाइम्स हो गया, यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया। दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। द मेजरमेंट इज अ कंपेरिजन ऑन एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जो नोन क्वांटिटी उसे क्या कहेंगे, यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। और मीटर क्यों है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर आपका रहेगा, रोड मीटर से मेजर करते हैं। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ नंबर क्वांटिटी एंड अ यूनिट। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट एंड द नंबर चेंजेस। नंबर क्वांटिटी एंड यूनिट का मतलब क्या है, हमने मीटर एज अ यूनिट लिया और उसकी नंबर क्वांटिटी मतलब जितनी बार वो मीटर रिपीट होगा वो होगी नंबर क्वांटिटी। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर चेंजेस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4.5 किलोमीटर और 2.79 माइल्स। तो एक किलोमीटर में देखिए इतना हो जाएगा और माइल्स में हमारा इतना होने वाला है। तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है बट अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होने वाला है। इफ़ द लेंथ और डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ फुट ऑफ अ पर्सन,
then the same length or distance will be have the different values of the length of the foot of the different people slightly. देखिए जो फुट का मेजरमेंट है, फुट मीन्स नीचे वाला जो हमारा फुट रहेगा उसकी मेजरमेंट से हमें पता है कि डिफरेंट पर्सन टू पर्सन फुट क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो इन एंशिएंट टाइम द क्यूबिट द लेंथ ऑफ एल्बो टू फिंगर्स टिप्स, उसे हम कहते हैं क्यूबिट. एल्बो से लेके कोहनी से लेकर के पूरा ये जो लास्ट हमारी मिडिल फिंगर वहाँ तक का, इसे हम क्यूबिट कहते हैं. ठीक है, क्यूबिट. फुट, पैर का जो नीचे वाला फुट है उसे हम फुट कहते हैं. डिस्टेंस बिटवीन आउटर स्ट्रेच आर्म एंड द चिन वर टेकन एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, इन चीज़ों को यूनिट ऑफ लेंथ लिया जाता था. सी हियर इज अ फुट, हमें पता है कि पर्सन टू पर्सन फुट क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिससे हमारे लेंथ में क्या आएगा, एरर आएगा, मेजरमेंट में क्या आएगा, एरर. सो इसीलिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए थे जो आज के टाइम में हमारे पास हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, एंड इट इज़ कॉल्ड SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाते हैं. द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट. दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम इंटरनेशनल होता है, SI की फुल फॉर्म फ्रेंच वर्ड है. तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हुआ, ये जो सारा सिस्टम है हमने एक एक्सेप्ट कर लिया, जैसे लेंथ का जो डिस्टेंस मेजर करने का है वो मीटर है, वो सारे वर्ल्ड में मीटर ही रहेगा. अगर वेट का किलोग्राम है तो ओवरऑल वर्ल्ड में वो क्या रहेगा, किलोग्राम रहेगा. तो ऐसा यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट सारे वर्ल्ड में चेंज नहीं होंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होंगे. इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम. ये मेट्रिक सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं SI सिस्टम के अंदर. कौन सा सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम है. SI यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर, फॉर व्हाइल द लार्ज डिस्टेंसेज यूनिट इज किलोमीटर, बट इट इज नॉट अ SI यूनिट, SI यूनिट इज मीटर, दिस इज द लार्जर डिस्टेंस यूनिट. सो 1 mile इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, एंड 1 centimeter इज इक्वल टू 10 millimeter. ये हमारी कुछ यूनिट्स हो गए. नाउ टेकिंग द करेक्ट मेजरमेंट, बिलो आर द फ्यू पॉइंटर्स दैट नीड टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट. यूज अप्रोप्रिएट मेजरमेंट यूनिट इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ स्मॉलर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, अ 15-inch स्केल शुड बी यूज. देखिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, हमें पता है कि पेंसिल की मेजरमेंट करनी है तो हमारी पेंसिल की मेजरमेंट एक 15-inch के स्केल से हो सकती है. एंड द मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड सरफेस लाइक ट्री ट्रंक मेजरिंग टेप्स आर यूजफुल. तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी जहाँ से हम उसे मेजरमेंट करेंगे. नाउ अ होल नॉन ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट विद द ब्रोकन एजेस स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज कम्प्लीट, जहाँ से उसका यूनिट कम्प्लीट होता है. यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है. तो हमने मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, और 2 से 17. सो 2 से 17 के बीच में हम कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होना था, 1 से, कहाँ से होना था, 1 से, और टोटल 17, 1 से लेके 17 टोटल हुए. तो 17 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमारे पास आ जाएगी इसकी लेंथ 16 centimeter आ जाएगी. तो इस तरह से हम एरर को दूर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पैरालेक्स, कीप योर आई टू करेक्ट पोजिशन फॉर टेकिंग द रीडिंग्स इन करेक्ट पोजिशन मे टू बी स्लाइटली इनकोरेक्ट रीडिंग. हमें हमेशा सीधे से देखकर ही रीडिंग लेनी चाहिए. अगर हम साइड से देखेंगे तो हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा सा एरर दिखाई देगा, इसलिए हमें स्ट्रेट ऊपर से ही देखना चाहिए. नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, कोई कर्व्ड लाइन उसकी लेंथ कैसे मेजर करें. अ कर्व्ड लाइन और द सरफेस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ स्ट्रेट स्केल. अब कर्व्ड लाइन है वो स्ट्रेट स्केल से मेजर नहीं होगी, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या लिया, थ्रेड लिया. तो थ्रेड को इसके ऊपर रखते गए एक नोट यहाँ बना लिया, एक गांठ यहाँ लगा ली. ठीक है, उसके बाद में इसको क्या किया, सारे को ऊपर रख कर नाप लिया, और दूसरा नोट दूसरी गांठ यहाँ लगा ली हमने थ्रेड पे, और फिर उसको सीधा करके स्केल के साथ मेजरमेंट अपने कर दिया. ये हमने किया, जो लाइन थी लाइन के ऊपर अपने थ्रेड को रखा अलग अलग पोजिशंस पे, उसके बाद में उसको रख रहे एग्जैक्टली ऊपर रखने के बाद में हम क्या करेंगे, थ्रेड पे दो नोट लगाएंगे, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, और दोनों नोट को देखेंगे भी यहाँ तक हमारा मेजरमेंट आया है, फिर स्केल के साथ उसे कंपेयर करेंगे. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. फॉर फर्दर अपकमिंग नोटिफिकेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.